कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉप क्वेश्चन है ई कॉमर्स को लेकर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो कमियां थी, उसमें एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि ऑनलाइन परचेज के लिए कोई अधिक प्रावधान नहीं थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ज्यूरिडिक्शन का भी पॉइंट आता था, और ऑनलाइन परचेज के लिए कंज्यूमर कहाँ जाए जा रहा था, कंज्यूमर कोर्ट्स उसको अटेंड कर रहे थे, उसके बावजूद भी बहुत सारी टेक्निकल बातें थी ज्यूरिडिक्शन की, और भी छोटे छोटे मसले थे, उन सबको सॉल्व करने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में स्पेशली ई कॉमर्स प्रोडक्ट लाइबिलिटी और ऐसी क्लॉजेज लगी थी जिसमें लगाई गई थी, ऐसी क्लॉजेज उसमें एडअप की गई हैं जिससे कंज्यूमर यदि ऑनलाइन परचेज करता है तो उसको जिन जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन दिक्कतों से कैसे निपटा जाए इसके लिए प्रावधान किए थे। तो इसमें मूल रूप से क्या किया गया था, पहला तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज लगाई गई थी सेक्शन 85, 86 और 84, इन तीन चार सेक्शंस में स्पष्ट किया गया था कि अगर ऑनलाइन परचेज करता है व्यक्ति तो प्रोडक्ट पर, सर्विसेज पर कैसे और किसकी लाइबिलिटी बनेगी, केवल इतना कह देने से कि मैन्युफैक्चरर का ही दोष है, या ऑनलाइन जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म देते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोई भी आपके ये प्लेटफॉर्म है जो आपको वस्तु खरीद कर देते हैं, वो केवल आपसे आपका ऑर्डर लेते हैं और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से, ई कॉमर्स एंटिटी से आपको प्रोडक्ट उठाकर देते हैं, चाहे वह शोरूम हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ये जहां से भी उसका टाई अप होता है तो वो आपको देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई वेबसाइट ही गायब हो जाती है और आपको ये पता ही नहीं होता कि कहाँ से चीज उठाई गई है, अमेजन ने किससे डील किया, आपकी डीलिंग डायरेक्टली अमेजन, फ्लिपकार्ट या इस तरह के प्लेटफॉर्म से है, तो क्या होगा? अगर आपको सेलर नहीं दिखाई देता, पता नहीं चलता उसका वो कहाँ है, उसका क्या पता है, या वेबसाइट ही गायब हो जाती है, तो इन दैट केस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो इसमें बड़ा ही क्लियर सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के तहत आपको ये सब रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आपकी मदद करते हैं ऑनलाइन परचेज के लिए। सेक्शन 84 है, ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी का एक चैप्टर अलग से बनाया गया है 2019 के एक्ट में। उसमें 84 सेक्शन क्या कहता है, ए कहता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल इन अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। मैन्युफैक्चरर कैसे होगा, प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में डिजाइन में डिफेक्ट है कोई, और कहीं पर मैन्युफैक्चरर ने जो स्पेसिफिकेशंस कही हैं उसमें डेविएशन है, वो उसके तहत नहीं है, या प्रोडक्ट डज नॉट कम फ्रॉम द एक्सप्रेस वारंटी। अब इसमें ये भी कहा गया है इस एक्ट में कि कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा तो उसमें वारंटी है, गारंटी है, एक बात उन्होंने कह दी है इस एक्ट में कि एक्सप्रेस वारंटी है, जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उस पर एक्सप्रेस वारंटी इनबिल्ट है ही, इनहेरेंट है ही, उसकी वारंटी है ही कि ये अगर खराब होगा तो उसका दोष, मैन्युफैक्चरर उसके लिए लाइबल होगा, और प्रोडक्ट फेल्स टू कंटेन एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन। एक और बात कि अगर प्रोडक्ट में एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा, क्या क्या इसमें खामियां, क्या क्या इसके चलाने के तरीके हैं, ये सारी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है। मान लीजिए कुकर है, कुकर टेस्टेड है कि नहीं है, उसमें कोई हार्मफुल तो नहीं है, हैजार्डियस तो नहीं है, ये सारी चीजें अगर नहीं है तो मैन्युफैक्चरर इसके लिए लाइबल होगा। ये तो है गुड्स के बारे में। उसके बाद आते हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज में भी अगर प्रोडक्ट्स, उसमें प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन में आएगा, फॉल्टी है सर्विस आपकी, ठीक नहीं है, इम्परफेक्ट है, डेफिशिएंट है, कमी है उसमें, एडिक्वेट क्वालिटी में नहीं है, जिस मैनर से लिखा गया है उस तरह से नहीं है, कोई भी कमी, कोई भी चीज जो आपने स्पेसिफाई की है उस तरह की सर्विसेज नहीं दी है, तो आप सर्विसेज के लिए भी लाइबल होंगे। अगला जो है 86 सेक्शन जो है उसको ध्यान से देखने का है।
ये तो हुआ एक गुड्स बेचने वाला मैन्युफैक्चरर, एक सर्विस देने वाला, सर्विस प्रोवाइडर। अब आता है कि जो व्यक्ति, जो सेलर है, प्रोडक्ट सेलर है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, इज नॉट अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, फिर भी उसकी लाइबिलिटी बनती है। जिसने प्रोडक्ट को बनाया नहीं है उसकी भी लाइबिलिटी बनती है। दो तरह से लाइबिलिटी कहा है, पहला तो कि उसने डिजाइनिंग की है, टेस्टिंग की है, पैकेजिंग की है, लेबलिंग की है, जितने भी कामों में से कोई भी किया है, और उसने कोई मॉडिफाई किया प्रोडक्ट को या अल्टर किया है, या उसने एक्सप्रेस वारंटी दी है, ये सारी चीजें अगर दी हैं, किया है, और वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो भी उसकी लाइबिलिटी बनती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि जिसने मैन्युफैक्चरर ही नहीं किया है पर डिजाइनिंग की है, लेबलिंग की है, उसको अल्टरेशन की है, या असेंबली की है, कुछ भी किया है, तो भी वो जिम्मेदार होगा। तो इसमें क्या है, एक मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन को बहुत वाइड कर दिया है कि ये जितने लोग भी हैं, भेजने वाला भी, कोरियर को भी इसमें लपेटा गया है। तो आप केवल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसलिए आप छूट नहीं सकते। ये सारी चीजों में अगर आपका कहीं भी हाथ है, आपने कुछ भी काम किया है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लायबल होंगे। एक तो ये बात कही है, और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि किसी ने प्रोडक्ट सेल कर दिया है, मैं इसमें बात कर रही हूँ, ये सारे अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप परचेज करते हैं, जिनसे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, जिनको आप ऑर्डर करते हैं, और जो ऑर्डर रिसीव करते हैं, और फिर ऑर्डर कंफर्म करते हैं, और फिर आपको भिजवाते हैं, वो किससे लेकर भिजवाते हैं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन तो रहती है, किंतु यदि आपको पता ना चले कि उसका डिफेक्टिव है, कोई सर्विस डिफेक्टिव है या प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो उसको पकड़ा कैसे जाए, तो आपको क्या करना है, आप इनको भी पकड़ सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड बाय हिम एंड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सच प्रोडक्ट इज नॉट नोन, पता नहीं है किसने बनाया। मैं इस पे केस पे आऊंगी, जो आज का मेरा प्रश्न है, उस प्रश्न पे आऊंगी कि उनका समाधान कैसे होगा। तो प्रोडक्ट इज नॉट नोन, और इफ नोन, सर्विस ऑफ नोटिस और प्रोसेस ऑफ वारंट कैनॉट बी इफेक्टेड, पता भी है पर उसको सर्विस ही नहीं हो रही है, तो इन दैट केस क्या होगा, इनको सर्विस लेनी पड़ेगी, इनको नोटिस लेना पड़ेगा, और इनकी जिम्मेदारी होगी अमेजन की और फ्लिपकार्ट की कि वो उनको सर्विस दें और उनको नोटिस दें और नोटिस उनको पहुंचाएं जहां से उन्होंने प्रोडक्ट खरीद कर दिया था या सर्विसेज हायर करके दी थी कंज्यूमर को। तो और नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ विच इज इन फोर्स इन इंडिया, या प्रोडक्ट बेचने वाला जो है वो इंडियन लॉ के उसमें आता ही नहीं है, तो क्या होगा, इसके लिए भी जिम्मेदार कौन होगा। हम ऊपर से पढ़ते हैं, प्रोडक्ट सेलर हु इज नॉट अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल इन प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन इन पर भी होगा, भैया नोटिस लो, नोटिस इनको दो, या दो या आप जिम्मेदारी लो। तो ये 86 सेक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बात तो सबको मालूम है प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज है, वो कहाँ पर एप्लीकेबल होती है, किन चीजों पे एप्लीकेबल होती है, और में क्या क्या तंतु हैं जिनको पकड़कर आप कहेंगे कि ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज में आते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट में केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें अमेजन फ्लिपकार्ट करते हैं, आई एम नॉट द डायरेक्ट सेलर, मुझे पता नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैंने तो लेकर दे दिया, इससे जान नहीं छूटती है, पहले ऐसा करते थे, विड्रॉ कर लेते थे, हमें नहीं पता। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण केस की चर्चा करती हूँ। एक बार अमेजन ने सोनी का टीवी बेचा, सोनी का टीवी बेचा, उसमें डिफेक्ट था, आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल रही थी, वारंटी नहीं मिल रही थी। जब कंज्यूमर कंज्यूमर कोर्ट में आया, तो कंज्यूमर कोर्ट ने जब अमेजन को बुलाया, तो अमेजन ने कहा कि मेरे को पता नहीं है, और सोनी ने ये कहा आकर, जो सोनी पकड़ में आया, तो सोनी ने कहा था कि मैंने अमेजन को कभी ऑथराइज ही नहीं किया कि ये मेरे प्रोडक्ट को बेचे, पता नहीं कहाँ से, किस गोडाउन से, डिफेक्टिव या सेकेंड हैंड, कहाँ से उठाकर बेच दिया, हमने तो इनको ऑथराइज ही नहीं किया। तो दोनों का डिस्प्यूट हो गया, एक ने ऑथराइज नहीं किया, एक ने बेच दिया, तो कंज्यूमर कहाँ जाए। तो यहाँ पर इस 86 क्लॉज को लगाने का कारण ये था।
और अब जो ई कॉमर्स रूल्स बने हैं उसमें बहुत ही स्पेसिफिकली कहा गया है, इसकी चर्चा हम रूल्स की चर्चा हम बाद में अलग से करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में अब नए अमेंडमेंट्स भी होते चले जा रहे हैं। तो वो जो बेसिकली जो ई कॉमर्स के रूल्स हैं वो कहते हैं कि ई कॉमर्स एंटिटीज को अपना सारे डिटेल्स वेबसाइट पे देने हैं, केयर सेंटर बताना है, केयर सेंटर में कौन ऑफिसर काम करता है वो बताना है, 48 आवर्स में कंप्लेंट को सॉल्व करना है। बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है जिसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि आज मेरे को ये सारे प्रश्न लेने हैं और इस प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत एक मेरे पास प्रश्न है उसकी बात करनी है। तो मैंने क्लियर किया कि 86 सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, 84, 85, 6 और 86 ये सेक्शंस प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज में आते हैं। पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज को एप्लीकेबल कैसे बनाना है ये इसको ध्यान से पढ़िए। 86 का डी बड़ा महत्वपूर्ण है, 85 का ए बड़ा महत्वपूर्ण है, इन दोनों को ध्यान से करिए। ए में बताते हैं कि 85 ए में प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर है, फॉल्टी हो, इम्परफेक्ट हो, डेफिशिएंट हो, इनएडिक्वेट हो, और 84 में आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, डिफेक्टिव डिजाइन है, वो सारी चीजें आती हैं जो मैंने अभी बताई। तो 86 में आपका आता है कि अगर आप सेलर हो किंतु मैन्युफैक्चरर नहीं हो तब भी आपकी लाइबिलिटी बनती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन बेचते हैं, जिनसे आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है और जिनसे आप रजिस्टर करते हैं, आप लोग आप ऑर्डर करते हो और ऑर्डर कंफर्म होता है और आपकी जो चीज है उनके माध्यम से आती है, अमेजन के माध्यम से आती है, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, बहुत सारे केसेस हैं जो इस पे लैपटॉप पर बहुत सारे प्रश्न फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट आए हैं कि उन्होंने फ्लिपकार्ट में बेचा और फिर कोई लाइबिलिटी नहीं लेता। तो आज हम ये बात करेंगे कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग दीज क्लॉजेस अभी भी कंज्यूमर कोर्ट में जो केसेस आ रहे हैं ये लोग अपनी लाइबिलिटी नहीं ले रहे, तो कंज्यूमर हैज टू स्ट्रांगली स्ट्रांगली मेंशन दीज क्लॉजेस और इन क्लॉजेस को डिटेल में लगाकर कोर्ट के सामने अपनी बात कहनी है कि ये भी लाइबल है। हमें नहीं पता मैन्युफैक्चरर कहाँ है, फ्लिपकार्ट को मालूम होगा उसने कहाँ से हमको लैपटॉप उठा के दे दिया और कितने का दे दिया और कितने का देना था, वो सब और भी बड़े सी इश्यूज हैं, जैसे 19,000 का है लैपटॉप है तो उसको 1900 में देंगे और फिर बाद में वही 19,000 का दिया, और बहुत सारे इश्यूज हैं वो हम बाद में किसी दिन चर्चा करेंगे। आज हम इतना बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज है। अब जो मेरे पास प्रश्न है वो प्रश्न है, ग्लास टॉप एलपीजी ओवन खरीदा, ओवन पहली बार में बस्ट हो गया और बस्ट होकर इंजरी हुई, चाहे चेहरे पे इंजरी हुई, और अब वो चाहते हैं कि मैं कलकत्ता का रहने वाला हूं और दिल्ली से मैंने खेला खरीदा था तो हजार्डियस है, तो इसके लिए मैं ई दाखिल में अपना केस डालना चाहता है, तो मेरी मदद कीजिए। तो इसमें मैं इनको बताऊंगी इनके तो ऊपर कौन सा सेक्शन लागू होता है। सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का जो इनकी लाइबिलिटी में आता है, जो इनकी उसमें कवर होता है वो है सेक्शन 2 का 21 और 22। सेक्शन 2 सारे शब्दों को व्याख्या करता है। तो सेक्शन 2 21 में गुड्स को व्याख्या किया गया है और 22 में हार्म को व्याख्या किया गया। गुड्स में गुड्स डिफेक्टिव है, तो इनके केस में आपके केस में गुड डिफेक्टिव है, पर साथ ही साथ में 22 में आता हार्म इन रिलेशन टू प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट आपको नुकसान पहुंचा गया, आपको इंजरी पहुंचा गया, आपकी प्रॉपर्टी को पहुंचा गया। इसमें हार्म में क्या आता है, डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, प्रोडक्ट के अलावा और भी किसी आपकी प्रॉपर्टी को इंजर की, जैसे आपका ये बस्ट हो गया तो आपका कोई सामान भी हुआ होगा उसको नुकसान पहुंचा होगा। पर्सनल इंजरी, इलनेस और डेथ, जैसे पर्सनल इंजरी हुई, बस्ट हुआ आपके फेस पे लगा, और कई बार कुकर के बस्ट होने पे बहुत बड़े हादसे हुए हैं, या किसी की डेथ भी हो गई है, किसी की प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ, ये भी उसमें आएगा। मेंटल एगनी है और इमोशनल इमोशनल डिस्ट्रेस अटेंडेंट और पर्सनल इंजरी और इलनेस और डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की डैमेज क्या है, एनी लॉस और कंसोर्टोरियम और सर्विसेज अदर लॉस हार्म रेफर टू क्लॉज, जो भी ये क्या है, ये इंसिडेंटल लॉसेस है, इसको नए एक्ट में इंसिडेंटल लॉसेस का है। अभी तक जो हमारे पास एक्ट था 1986 का जो एक्ट था उसमें आपको क्या रिलीफ मिलता था, एक्चुअल लॉस, मेंटल एग्नी के लिए कंपनसेशन और कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। इस एक्ट के आने के बाद ये हार्म शब्द जोड़ा गया है जो,
ये जो पर्सनल इंजरी की बात कही गई है और प्रॉपर्टी के नुकसान की बात की गई, दिस इज इंसिडेंटल लॉस। आपका जो लॉस हुआ उसके अतिरिक्त इंसिडेंटल लॉस भी जो हुआ उसको भी कवर किया गया है, और आप कंपनसेशन में इंसिडेंटल लॉसेस के लिए भी कंपनसेशन के लिए कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। बात यह है, एक्ट तो बहुत बढ़िया है, पर एक्ट की कौन सी क्लॉज को कहाँ एप्लीकेबल करना है ये समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं पर्टिकुलरली उन सेक्शंस का आपको रेफरेंस दे रही हूँ कि ये सेक्शन देखिए, इसमें इंसिडेंटल, जैसे मान लीजिए कोई इसमें ब्यूटी पार्लर में किसी ने अपनी स्किन का स्किन की ट्रीटमेंट करवाई, और स्किन की ट्रीटमेंट में स्किन जल गई, जलने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर के पास आपका इलाज चला, आपका फेस तो खराब हुआ ही, डॉक्टर ने भी ट्रीटमेंट दिया तो उसमें बहुत पैसा लगा, तो ये जो पैसा लगा आपका ये इंसिडेंटल लॉस है। आपका एक लॉस तो है कि जो आपने ब्यूटी पार्लर को पैसे दिए, कीमत दी, फीस दी, और उसके बाद आपका मेंटल एग्री हुई कि आपको बहुत तकलीफ हुई, कि जो भी आपने तकलीफ झेली, और कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन तो हुआ, और साथ ही साथ में डॉक्टर का खर्चा भी आपको करना पड़ा, तो ये इंसिडेंटल लॉसेज होते, ये सारी चीजें इंसिडेंटल लॉसेज के। तो आपका जो ये एलपीजी ओवन है इसके बारे में जो आप पूछ रहे हैं, पहली बात तो कलकत्ता में रहते हैं और दिल्ली से खरीदा है, कोई बात नहीं, आप कलकत्ता में भी केस डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप दिल्ली में आए, क्योंकि पहले के एक्ट में ये था कि जहां पर ऑपोजिट पार्टी का ऑफिस है या ऑपोजिट पार्टी रहती है वहीं पर ही आप केस डाल सकते थे, किंतु आज की स्थिति ये है कि जहां पर आप रहते हो या जहां पर भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहां पर भी आप अपना केस डाल सकते हैं। तो ई दाखिल तो आपने ऑनलाइन करना है, ई दाखिल के लिए आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का ई दाखिल पोर्टल है उसको खोल दीजिए, खोल के पढ़िए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको उससे मिलेगी, नहीं तो हमारा एक वीडियो है ई दाखिल पर अलग से, उस पर भी आप जाइए और आपको पूरी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी कि कैसे आपको केस फाइल करना है। तो ये तो आपके प्रश्न का, पहले प्रश्न का उत्तर था, और टॉप क्वेश्चन ऑफ द डे इज हमारा कि एक्सप्रेस वारंटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, एंड कैसे ऑनलाइन परचेज पर आप कैसे कैसे किन किन सेक्शंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, पीजीडीसीए में मैंने एडमिशन लिया, फर्स्ट टर्म क्लियर कर लिया, फर्स्ट टर्म क्लियर नहीं हुआ और मैंने दूसरी टर्म का भी पैसा दे दिया है, तो अब मैं रिफंड चाहता हूँ, मिल सकता है क्या? देखिए, अगर आप फर्स्ट टर्म क्लियर नहीं कर सके हैं तो अपना माइंड थोड़ा सेट करके चलिए। अगर आपने एडमिशन लिए तो आप ये सोच के चलिए कि आपको ये काम करना है, आधे अधूरे मन से अगर आप चलते हो, अगर फर्स्ट टर्म क्लियर नहीं हुआ तो इसको दोबारा दीजिए, दोबारा बैठिए। आपने दूसरी टर्म का पैसा दे दी तो पैसा वापस कैसे मांगेंगे? वो कहेंगे कि आप अपना टर्म्स को क्लियर कर, टर्म को क्लियर करिए, मिड में आकर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को गए मुझे रिफंड कर दीजिए, तो थोड़ा मुश्किल है। मतलब इसमें आपका कोई वाजिब वाजिब कारण नहीं, और आप फिर कारण भी बताते हैं, एक और भी केस है उसमें बताते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन तो जब आप एडमिशन लेते तब भी आपको पता होते हैं, ये कारण वाजिब नहीं होते और इसमें आपको रिफंड मिलने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिल्डर ने पैसे पूरे ले लिए और रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, पोजेशन दे दिया। अब यहाँ पर आप जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर नहीं लिखते, क्योंकि बिल्डर को पैसे पूरे दे दिए और अगर पोजेशन ले लिया, इसका मतलब पोजेशन दे दिया, मकान बन गया, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, मतलब आपको मकान की रजिस्ट्री करा के नहीं दे रहा, ठीक है, ये आपका डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का केस बनता है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, किंतु आपने क्लियर नहीं किया है कि पोजेशन दे दिया है तो क्या वो सब ठीक पूरी तरह से ठीक ठाक है, आप पसंद है, केवल रजिस्ट्रेशन की बात है, तो आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहा है वो कारण आप बताएंगे या सामने आएंगे तभी पता चलेगा, हो सकता है कोई आपका पैसा रहता हो या कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो, वो क्या है और क्यों नहीं दे रहा है, ये कोर्ट में जाकर ही जब आपका नोटिस जाएगा तभी कोर्ट पूछेगा, तब आपको पता चलेगा, तो इसमें आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सेंट ऑल मेडिकल रिपोर्ट, हाँ ये क्या है, ये एक व्यक्ति ने सारी मेडिकल रिपोर्ट मुझे भेज दी है, मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, मेडिकल जितने डॉक्यूमेंट्स वो भेज दिए हैं और कुछ नहीं बोला है, मतलब आपको एकदम से पल्ला झाड़ लेते हैं कुछ भी भेजकर, आप ये समझते हैं चलिए जी मैडम बताएंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, हो गया मेडिकल नेग्लिजेंस, कोई भी काम हुआ, कोई भी गलत कुछ हुआ, आपका इलाज करने के बाद भी आप ठीक नहीं हुए तो मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, आपके वृद्ध पिता हैं 70 साल के हैं, उनको दवाई ठीक तरह से नहीं लग रही, सारे टेस्ट किए, टेस्टों पे इतना खर्च कर दिया जी, इतना सारा टेस्ट करवा दिए और दवाई दे रहे हैं वो तो ठीक नहीं हो रहे, तो मेडिकल, अब मैं इससे क्या समझूं कि आपने सारी रिपोर्ट्स भेज दी। पहली बात तो
मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच तो आपको मेडिकल एक्सपर्ट से करवानी पड़ेगी। आप पहले ये बताइए कि नेग्लिजेंस क्या है, मैंने आपके साथ बुरा क्या हुआ है, डॉक्टर को क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, या क्या नहीं करना चाहिए था जो उसने कर दिया, या डॉक्टर के क्या करने से आपको क्या नुकसान हुआ, ये सब आपने नहीं लिखा है। इस तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में मैं राय नहीं दे सकती हूँ। आप खुलकर बात करिए, पहले तो ये रिपोर्ट्स मेरे किसी काम की नहीं है। आप फैक्ट्स बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है, पूरे फैक्ट्स से पता चलेगा कि मुझे दिखेगा कि यहाँ 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 पर लूप होल है, तब मैं ट्रीटमेंट रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ेगा एक्सपर्ट को कि ट्रीटमेंट रिकॉर्ड में कहाँ पर कोताही हुई है, क्या हुआ है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस ऐसे नहीं बनते, और ना ही इस तरह से आप बैठ जाइए जी, चलिए जी मैडम को भेज देते हैं कागज, मैडम देख लेंगी, इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस बता दूंगी, वो किसी के लिए भी संभव नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी लीगल एक्सपर्ट के लिए भी संभव नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बीएससी नर्सिंग में मैंने एडमिशन लिया, अब कैंसिल कराकर फीस वापसी चाहती हूँ, वो क्या है। 2022 से 2026 तक का ये कोर्स था, 4/11/22 को एडमिशन लिया, और ACE देहरी रोहतक का है, और इनका इनको जो लेटर मिला है वहाँ से 3/5/23 को लेटर मिला है उनको, बीएससी नर्सिंग होम जिस इंस्टीट्यूट को इन्होंने लिखा कि मुझे वापस दे दीजिए फीस। फीस वापसी का कारण बताया इन्होंने कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। देखो एक बात समझ लीजिए, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि जब आप किसी जगह पर एडमिशन लेने जाते हैं तो 10 बार सोचिए, आप पैसा अपना खर्च कर रहे हो तो आप कैसे सोचते हो कि पैसा आप जब चाहोगे वापस मिल जाएगा। एक इंस्टीट्यूट ने 3 साल के कोर्स में आपको एडमिशन दिया, 3 साल के कोर्स के लिए जितने स्टूडेंट्स को उन्होंने लेना था सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने ले लिया, लिस्ट बना ली, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सारा काम कर लिया, नोट्स बनाए, कोर्स का जो मटेरियल होता वो सारा प्रिंट करवाया, स्टाफ बन लिया, स्टाफ कितना चाहिए, और फैकल्टी भी अपॉइंट की, और जगह भी तय की, उसका भी रेंट दिया। इतना सारा काम करने के बाद आपने एडमिशन ले लिया, और उसके बाद आप एडमिशन लेने के बाद कहते हैं कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम 1 मिनट में पैदा हो गई? कोई भी इंस्टीट्यूट आपको अगर रिफंड दे देगा तो इस तरह से तो उनके 1 2 3 4 8 10 लोग आ जाएंगे, हमें रिफंड दे दीजिए, तो उनकी प्लानिंग का क्या होगा। दीज आर नॉट द रीजंस, इन कारणों से आपको फीस रिफंड नहीं मिल सकता। कभी मत सोचिए कि आपका फीस रिफंड आपका अधिकार है, तो इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, प्रश्न में लापरवाही से नवजात शिशु का उम्मीदवार मेडिकल पेपर्स भेजे, प्रसव में लापरवाही से नवजात शिशु में गंभीर बीमारी हो गई, इन्होंने क्या किया, मेडिकल पेपर्स भेजे हैं, एमआरआई की रिपोर्ट भेजी है, और ये बताया है कि बच्चा रोया नहीं था पैदा होने के बाद, इंजेक्शन देने पर रोया, उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया और घर भेज दिया, बच्चा फिर घर में रोता रहा, वो चुप नहीं होता है, और एमआरआई वगैरह भी की है, तो डॉक्टर्स कहते हैं हमें नहीं पता दिमाग पर क्या असर पड़ा है, हम नहीं जानते। इसमें आपको एक बात बता दें, ये केस डिटेल्ड सर्वे की इसमें जरूरत है, क्योंकि बच्चा पैदा जब हुआ है तो क्या वो सर्जरी से हुआ है या नॉर्मल हुआ है। सर्जरी से हुआ तो कोई इक्विपमेंट उसके लग गया उसके ब्रेन पे, या वो सब देखने की बात है, एमआरआई में क्या आया है, क्या उसमें कोई इक्विपमेंट, कोई सर्जिकल किसी चीज का टक लग जाने से या कुछ इंजरी हो जाने से हुआ है, या वो जन्मजात है, और जन्म जाता है तो जब प्रेग्नेंट थी लेडी तो उसका जो आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह था उसमें कुछ आया था क्या ना, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन की है। मैं क्या करूं से बात नहीं बनेगी, आपको वो सारे एक्सरे एमआरआई किसी मेडिकल एक्सपर्ट को दिखाने पड़ेंगे, मेडिकल एक्सपर्ट उसकी जांच करेगा कि उसमें दिखाई क्या दे रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देगा, तब आपका केस बनेगा कि डेफिशिएंसी या नेग्लिजेंस का केस बनता है या नहीं बनता। इतनी सी बात बताने से और मुझे रिकॉर्ड भेजने से नहीं होगा, क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेडिकल एक्सपर्ट को दिखाइए, उनसे कहलवाइए कि वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर के किस काम से ये गड़बड़ हुई है। अगर तो वो जन्मजात है, पैदा होते ही ऐसा है, तो आपका पहले जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें कुछ ऐसी बात आई थी या नहीं आई थी या डॉक्टर ने नहीं बताई थी, वो भी जांचनी पड़ेगी, और अगर वो जन्म से है तो डॉक्टर कैसे लाइबल हो जाएगा,
और अगर वो डॉक्टर के सिजेरियन हुआ या नॉर्मल हुआ या बच्चे के पैदा होने के सामने के समय डॉक्टर से कोई गलती हुई है, ये सारी बातें जांच का विषय है। इनको आप किसी डॉक्टर को दिखाइए और तब हमारे से बात करिए, फिर अगर होगा तो हम उसका आपका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड देकर और मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन देकर तब हम आपको बता सकेंगे कि वस्तुस्थिति क्या है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज हम संडे लाइव नहीं कर पा रहे हैं, आज हमने संडे बुलेटिन के रूप में अपना ये सेशन किया है जो हम अपलोड कर देंगे और आप इसको देखिएगा। कुछ समय के लिए हम इसको इस तरह से चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।